आज कॉन्सेप्ट में नई हेडिंग डालनी है आपको, इसका नाम है मेन हेडिंग नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक तरह से अब हम कैश फ्लो के दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं। पहला पड़ाव कौन सा था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आज हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करनी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वैसे आपको याद है कि किससे रिलेट करती थी, बताओ, शुरू शुरू में सिखाया था? जो जो एक्टिविटीज़ आपके निवेश से रिलेटेड है, मतलब या तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होंगी या मतलब आप कह सकते हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड होती हैं जनरली, या एक और लिख लेता हूँ, लोन्स एंड एडवांस, कि आपने किसी को लोन दे दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लोन वर्ड आते ही कई बच्चे अपना उछल जाते हैं, लोन वर्ड्स देखते ही बच्चा सोचता है लोन लिया। तो यहाँ पर हम बोरोइंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कौन से लोन की बात कर रहे हैं, जो लोन दिया। तो अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मतलब ट्रांजैक्शन इनसे संबंधित है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं एक तरह से। तो बाकी हम एक छोटा सा इसका एक फॉर्मेट सा बना लेते हैं नीचे, है ना। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो आप मेरे साथ, बस बहुत ही छोटा सा। तो आपके लिए इसमें एक अच्छी खबर है मेरे पास, एक गुड न्यूज़ है कि जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको याद है उसका तो एक फॉर्मेट होता था पूरा जो आपको लर्न करना है, NPBT, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप मन के राजा हो, जहाँ मन करे जो मन करे वो लिख सकते हो। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें बस हमको कुछ चीज़ें इनफ्लो वाली लिखनी है ना। कुछ इनफ्लोज लिखवाऊंगा आपको और कुछ आउटफ्लोज लिखवाऊंगा आपको, बस। तो ये इसमें मज़ेदार बात है। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बस इसमें आइटम्स हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है, बस वो लिखेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, तो सबसे पहले लिख लो सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स या ऑब्लिक इनटेंजिबल एसेट्स। तो आपने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तो जब आप अपना फिक्स्ड एसेट बेच दोगे तो पैसे आ जाएंगे, है ना। और आप सोच भी सकते हो मन में, हर ट्रांजैक्शन जो लिखवाऊंगा आपको अभी उसमें आपका पैसा आएगा, और मन में आप सोच भी सकते हो, है ना। तो आपने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया। दूसरा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आपने अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बेच दिए, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए तो पैसा आ गया। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट रिसीव्ड, तो ये आप बताओ इसका क्या मतलब है। हाँ, जो हमने ऊपर लोन दिया था जिन लोगों को, उसके पैसे हमें वापस मिल गए। तो जिन लोगों को हमने लोन दिया था उन लोगों से हमें पैसा वापस मिल गया, तो ये भी इनफ्लो हो गया। बाकी इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस एटसेट्रा लगा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, हालांकि कुछ होगा नहीं। तो बस ये सब आपको जो मिले ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो हो गए, है ना। बाकी लिंक बनाने के लिए या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये मेंशन कर देता हूँ कि जो नीचे के तीन हैं, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तीनों ही क्या हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। तो आपका इनसे पाला पहले भी पड़ चुका है इन तीनों से,
है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं ये। ठीक है मोक्ष बाबू, गलत तो नहीं सिखा रहे सर, सही है ना? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो ये भी आप लिख सकते हो जानकारी हेतु, लिखना है तो बस ये मोटे मोटे इसमें पाँच छः इनफ्लोज होंगे, बस यहाँ से पैसा आएगा, ये इनफ्लो हो गए। अब आउटफ्लोज लिख लेते हैं, पैसा जाएगा कहाँ, तो कुछ आउटफ्लोज लिख लेते हैं। आउटफ्लो तो बहुत ही कम है, पहला है परचेज ऑफ टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट। अब आप कोई फिक्स्ड एसेट अगर खरीद लोगे तो ये आउटफ्लो हो गया, पैसा गया, या फिर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए तो फिर से पैसा गया, आउटफ्लो हो गया कैश का, और या फिर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, आपने लोन दिया गिवन, तो जब लोन दोगे तो पैसा गया, बस। तो आउटफ्लो सिर्फ तीन ही है, तो कितना इजी हो गया, बस सर ख़त्म, हाँ ख़त्म, तो कितना इजी हो गया। और ये आपका आंसर आ जाएगा, इस आंसर को बी बोलते हैं, इस आंसर को बी बोलते हैं। अब इसकी इंग्लिश लिखवा दूँ आपको, हाँ सर इंग्लिश लिखवा दो, जो मैं आपसे पूछ के लिखूँगा। बताओ क्या सिखाया था, अगर पॉजिटिव आएगा तो येलो कलर में क्या लिखना है, फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आएगा तो ब्लू कलर में क्या लिखना है, यूज्ड इन। हाँ तो ये दो अक्षर याद रखने हैं, तो पॉजिटिव आएगा तो फ्लो फ्रॉम, बिल्कुल सही, और नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन। ठीक है जी, तो बस, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन गया। तो बहुत ही सिंपल है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा। चलो तो अब इसमें एक ही एडजस्टमेंट होती है जो हमें अब सीखनी है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो फॉर्मेट बना लिया पहले, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है, तो इसके हम बाद में एग्जांपल्स में सीख जाएंगे। तो अब इसमें जो हमारा मेन एडजस्टमेंट होता है उसके लिए हम स्टार डाल लेते हैं, कि अब हमें एक एडजस्टमेंट जो कवर करनी है, इस एडजस्टमेंट का आप नाम लिख लेना, फिक्स्ड एसेट या ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख लेना, सॉरी, फिक्स्ड एसेट या ऑब्लिक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डैश डाल के अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमें एक ये एडजस्टमेंट इसमें कवर करनी है, तो पहले हम इसको सीखेंगे, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। तो इसमें दो केस होते हैं, तो पहले मैं आपको केस वन सिखाऊंगा, तो आप लिखो केस वन। केस वन में आपको लिखना है, कंपनी मेंटेन्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वर्टेड कॉमास बंद, कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको हम पीएफडी बोलेंगे अब। ठीक है ना, अब इतना बड़ा कौन बोले, बोलने में लंबा, सुनने में आपको डर लगे, लिखने में आपके हाथ कांपे, तो अब हम पीएफडी बोलेंगे। ठीक है, तो कंपनी मेंटेन्स पीएफडी अकाउंट, बाकी मेंटेन्स का मतलब है, वो भी लिख दे बता देता हूँ, मेंटेन्स का मतलब है कि पीएफडी अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट, मतलब आपको बैलेंस शीट में पीएफडी अकाउंट नज़र आएगा, ये पहचान है केस वन की। ठीक है, ये पहचान है केस वन की।
ठीक है। और एक छोटा सा देसी बैलेंस शीट बनाकर इसका नज़ारा भी दिखा देता हूँ आपको, जस्ट आपके मन की आंखों के लिए, बस आप देख लेना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे पास मशीन है, उसकी कॉस्ट है 100, तो वो मैं एसेट साइड पर शो कर दूंगा। और इस मशीन पर अब तक लेट से 40 रुपये का डेप्रिसिएशन मैं लगा चुका हूँ पिछले 4 साल में। ऐसा मान लेते हैं कि मैंने इस मशीन पर 40 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा रखा है पिछले 4 वर्षों में लेट से, तो मैं उस 40 रुपये के प्रोविज़न को, PFD को, लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। तो इसको केस वन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केस वन। हाँ, ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग ऐसे दिखाने की बजाय ऐसे भी दिखा सकते हैं, वो भी बनाकर दिखा देता हूँ, कि वो मशीन की कॉस्ट को 100 दिखाएं और उसमें से PFD को माइनस करके दिखाएं और बाहर 60 रुपये जो कि उसकी बुक वैल्यू है ऐसे शो कर दें, तो बैलेंस शीट में आपको PFD नज़र आएगा। तो ये भी एक तरह से केस वन की पहचान है। तो दिस इज़ ऑल्सो केस वन। तो केस वन का मतलब है कि आपको PFD कहाँ नज़र आएगा? बैलेंस शीट में, है ना। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन भी चालू होता है, वो PFD को PFD के नाम से नहीं देता, मतलब इसको वो PFD अकाउंट को PFD नाम से नहीं देता, तो इसको घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं? वो भी लिख लेते हैं, इसका घर का नाम बताओ शिवांश भाई। 11th में पढ़ते थे सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हो सकता है आपको PFD अकाउंट की बजाय इस नाम से नज़र आ जाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ ठीक है ना। तो ये बेसिकली मतलब होता है। तो केस वन की मतलब आपको पहचान सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई बच्चा ये तो पहचाने ना कि केस वन का मतलब क्या है। तो केस वन का मतलब है कि आपको बैलेंस शीट में PFD नज़र आएगा, है ना। चलो, तो इस केस में एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसके नीचे अब आप मेरे साथ बनाना कि एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना। कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, कोई सा भी हो, या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी एसेट हो, तो वो ऐसे ही बनेगा। तो डेबिट क्रेडिट, तो आप बना लो एक ढांचा। हालांकि ये हमने क्लास 11th में बना रखा है और सीख रखा है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप क्लास 11th को रेफर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ना कि मेरे को और जानकारी चाहिए इस पर, गहराई से समझना है, तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 जो है डेप्रिसिएशन का, उस चैप्टर को आप देख सकते हैं दोबारा से, उसमें आपको इसकी सारी गहराइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल एसेट अकाउंट बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना है एसेट का? डेबिट साइड। तो टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। फिर बताओ, जब हम एसेट खरीदते थे तो कहाँ लिखते थे बचपन में? डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब होता है एक तरह से परचेज ऑफ एसेट, हमने एसेट खरीद लिया। फिर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते, सॉरी, फिर जब एसेट बेचते थे तो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने एसेट बेच दिया। फिर एसेट को बेचने में अगर लॉस हो जाता था तो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड, बाय PNL, लॉस ऑन सेल। और अगर गेन हो जाएगा तो डेबिट साइड, टू PNL, गेन ऑन सेल। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन निर्भर करेगा।
और एक चीज़ हम ज़रूर लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो ध्यान रखनी है, स्टार लगा देता हूँ, कि जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो उस एसेट पर जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है उसको हम बाय पीएफडी अकाउंट के नाम से लिखते हैं। पीएफडी समझ गए ना क्या है, मतलब वही प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। बाकी बाय क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस सीडी। तो बस ये आपका हो गया एसेट अकाउंट। तो इसमें आप एक बादल बना लेना एसेट अकाउंट के ऊपर चोटी पर ऐसे मार्क करके, कि एसेट अकाउंट जो है ये कॉस्ट पर मेंटेन होता है। इसका मतलब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कॉस्ट को डिनोट करती हैं, हम इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते। तो बच्चा पूछता है सर क्यों डेप्रिसिएशन हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, तो बताओ इसका क्या आंसर है, डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएफडी अकाउंट में। तो अब आप इसके नीचे एक पीएफडी अकाउंट बना लो, वो छोटा सा ही बना लो 5 लाइन का, डेबिट क्रेडिट। तो ये एक लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो आप लिख लो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये दे रखा होगा। उसके बाद बाय डेप्रीसिएशन, तो यहाँ लिखते हैं हम जो भी डेप्रिसिएशन होता है इस अकाउंट में, तो जो भी डेप्रिसिएशन होता है ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर द ईयर, इस साल का, उसको हम यहाँ लिखते हैं इस अकाउंट में। फिर इसमें क्रॉस पोस्टिंग आती है ऊपर वाले खाते से, जिसको मैं लाल कलर का बक्सा बना रहा हूँ। तो हमने एसेट अकाउंट में लिखा बाय पीएफडी, तो वही सेम अमाउंट क्रॉस पोस्ट होके पीएफडी अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाता है टू एसेट अकाउंट के नाम से। तो ये क्रॉस पोस्टिंग भी आप लिख लो। अब बस फिर बैलेंस बच जाता है, तो टू बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि केस वन में हम इस तरह से खाते बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन चैप्टर का। अधिक जानकारी के लिए क्लास 11th के टीचर को संपर्क करें या फिर मोक्ष बाबू से संपर्क करें। अच्छा, तो अब बच्चे के लिए तो मुद्दे की बात ये है कि सर इससे हम बना रहे हैं तो इससे हमारा क्या काम, हमें क्या मतलब। तो हम अपने मतलब की चीज़ें मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर लेंगे कि भाई हमारा क्या काम। तो देखो जी, पहले सबने बना लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्या काम, पहले एसेट अकाउंट से बना देता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। ओपनिंग बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो बैलेंस है, लेकिन ये जो हमने लिखा है टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक आउटफ्लो। तो आप ये मार्क कर लो कि ये जो परचेज होता है एसेट का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, एक माइनस आउटफ्लो। तो हमें ट्रीटमेंट लिखने हैं ताकि याद रहे। इसी तरह गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको अगर गेन हो गया एसेट बेचकर, तो ये कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, याद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, तो माइनस हो जाएगी। तो ये भी आप मार्क कर लो। तो हमें ट्रीटमेंट्स याद होने चाहिए कि भाई इन ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्यों बना रहे हैं हम ये, इसलिए बना रहे हैं। अब क्रेडिट साइड पर चलते हैं, सेल ऑफ एसेट, जो हमने एसेट बेच दिया
तो ये कहाँ जाएगा? इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये एक इनफ्लो है। फिर उसी के नीचे लॉस ऑन सेल, वेरी गुड, तो ये हमारा एक ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्योंकि ये एक आपको याद हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी पीएफडी तो नीचे क्रॉस पोस्ट हो गया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस का भी कोई मतलब नहीं। तो एसेट अकाउंट में देखो चार चार बातें हमारे काम की जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा अब आते हैं जी पीएफडी अकाउंट पर। पीएफडी अकाउंट में बस एक ही चीज़ हमारे काम की है, वो है क्या? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस डेप्रिसिएशन से मतलब है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमें ये ट्रीटमेंट्स बेसिकली इसके अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट ओके हो गया केस वन का। चलो फिर केस टू का भी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, केस टू की हेडिंग और कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिर इनको एग्जांपल्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो केस टू की हेडिंग है व्हेन कंपनी डज नॉट मेंटेन पीएफडी अकाउंट, वेन कंपनी डज नॉट मेंटेन पीएफडी अकाउंट। ये केस टू है कि कंपनी जो है पीएफडी अकाउंट नहीं मेंटेन करती। तो नहीं मेंटेन करने का मतलब लिख लो कि इसका मतलब क्या है कि भाई बैलेंस शीट में आपको पीएफडी अकाउंट नहीं शो होगा। मतलब ऐसे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट देसी वाली। तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट में पता है क्या नज़र आएगा? बताओ क्या नज़र आएगा? सीधा मशीन लिखी हुई नज़र आएगी 60 रुपये, यानी कि आपको सीधा वो बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू जो बोलते हैं वो नज़र आएगी। आपको ये नहीं पता होगा इसकी कॉस्ट क्या है और आपको ये नहीं पता होगा कि इसका पीएफडी के, तो आपको सिर्फ क्या नज़र आएगा बैलेंस शीट में? बस मशीन की बुक वैल्यू, बस। तो इसका मतलब ये केस टू है। तो समझ के डिफरेंस क्या है, देख लो दोबारा आंखें खोल के, दिमाग का ढक्कन खोल के। केस वन कैसे पहचानेंगे हम? बैलेंस शीट में क्या नज़र आएगा? पीएफडी, तो वो केस वन है। और अगर बैलेंस शीट में पीएफडी नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब वो केस टू है। तो अब केस टू में बनाते हैं। तो केस टू में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है, एसेट अकाउंट। तो अब बना लो एसेट अकाउंट। तो वही डेबिट क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ये सेम रहेगा, टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट ये भी सेम रहेगा, टू पीएनएल अकाउंट, गेन ऑन सेल ये भी सेम रहेगा, बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ एसेट ये भी सेम रहेगा, बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ये भी सेम रहेगा, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ये भी सेम रहेगा। तो सर फिर क्या अलग क्या रहेगा सर?
तो बताओ चौहान साहब, क्या अलग क्या रहेगा फिर? ये तो सब कुछ सर सेम ही हो गया। अब इसमें वो पीएफडी, वो क्रॉस पोस्टिंग का जो नाटक था ऊपर, वो नहीं है इसमें। हमें कोई पीएफडी अकाउंट वाली वो क्रॉस पोस्टिंग नहीं करनी इसमें। बस हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल डेप्रिसिएशन। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है फॉर द ईयर, वो इसी खाते में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बस। लेकिन इसमें कोई पीएफडी वाली क्रॉस पोस्टिंग का नाटक नहीं होता। बस तो मतलब सारा खाता सब कुछ सेम ही बनेगा। तो आप 11th में जब बनाते थे तो ये बनाते थे, है ना? मशीन अकाउंट जब बनाते थे तो ये बनता था। बाकी दोबारा से मार्किंग करनी है तो दोबारा से मार्किंग कर लो, चाहे कि हमारे मुद्दे की चीज़ें क्या हैं। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। BDCD कहीं जाते नहीं हैं, उन्हें छोड़ देंगे। तो बस तो ये बातें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आ जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर हुई कहानी, सिंपल कॉन्सेप्ट। बाकी कुछ रट्टू तोतों के लिए इस बात बता देते हैं, अगर आप नोटिस करें ऊपर जाकर, तो जो भी डेबिट साइड पे ट्रीटमेंट्स करें होते हैं वो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस ही होंगे हमेशा, और जो भी क्रेडिट साइड पर बातें होंगी वो हमेशा प्लस ही होंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑलवेज। कोई भी लेजर अगर हम बनाएं तो, कोई भी, तो अगर आप नोटिस करें डेबिट में जो भी चीज़ें हैं उनके ट्रीटमेंट्स क्या हो रहे हैं, माइनस, और क्रेडिट में जो भी चीज़ें हैं उनके ट्रीटमेंट्स क्या हो रहे हैं, प्लस। बस एक्टिविटी बदल जाएगी ऑब्वियसली, है ना? लेकिन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वही। तो डेबिट की चीज़ें क्या होंगी, हमेशा माइनस, और क्रेडिट की चीज़ें हमेशा क्या होंगी, प्लस, कैश फ्लो के नज़रिए से। तो ये भी बात मतलब एक हेल्पफुल बात है, बाय चांस आप भूल जाओ तो याद रहेगा कि भाई डेबिट की चीज़ माइनस करनी है कहीं ना कहीं और क्रेडिट की चीज़ को ऐड करना है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब एक दो स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला स्टार डाल के लिखना, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड एज, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इस बात को मतलब समझने देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं इसी के नीचे। तो आप एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बनाना, 4 लाइन होगा। पहले कॉलम में लिखना ओपनिंग, दूसरे कॉलम में लिखना क्लोजिंग, एक लिखना मशीन, एक लिखना लैंड, एक लिखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मशीन ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 8,000, लैंड ओपनिंग 12,000, क्लोजिंग 11,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 10,000। बस मान लो ये दे रखा है नो एडजस्टमेंट्स,
और कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इनकी, कुछ नहीं है। चलो तो सॉल्यूशन, चलो तो इंटरप्रिटेशन आप मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, वो बस आप देख के खुश हो जाना। मशीन की वैल्यू ओपनिंग में है 10,000 और क्लोजिंग में कितनी हो गई 8,000, तो हम क्या कहेंगे कि 2,000 की क्या हो गई, गिरावट। ज़मीन की वैल्यू ओपनिंग में है 12,000, क्लोजिंग में है 11,000, तो हम क्या कहेंगे, गिरावट 1,000। मतलब पहले वैल्यू की बात करूँ तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ओपनिंग में है 14,000 और क्लोजिंग में है 10,000, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में भी गिरावट 4,000। तो तीनों की वैल्यूज़ में गिरावट है, लेकिन जो गिरावट है उनका सॉल्यूशन पर प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। वो कैसे, किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट है तो हम उस गिरावट को अपने आप क्या कंसीडर करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो मशीन की गिरावट को हम क्या कंसीडर करेंगे, डेप्रिसिएशन। और क्योंकि इसको डेप्रिसिएशन बोला तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। परंतु ऐसा माना जाता है और CBSE भी कहता है कि यही मानो कि ज़मीन कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड की वैल्यू हमेशा मानी जाती है कि बढ़ती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। एंड सेम चीज़ निवेश पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो ऐसा अजम्पशन होती है। तो लैंड की वैल्यू और नॉन करंट एसेट की वैल्यूज़ में जो ये गिरावटें हुई हैं, है ना, लैंड की वैल्यू में और नॉन करंट एसेट की वैल्यू में ये जो गिरावटें हुई हैं 1,000 की और 4,000 की, तो इन्हें क्या माना जाएगा, यस, तो इन्हें माना जाएगा कि हमने बेच दिए। इन्हें ये नहीं माना जाएगा कि ये डेप्रिशिएट हो गए, इन्हें क्या माना जाएगा कि हमने बेच दिए। तो इन दोनों के लिए माना जाएगा कि ये हमने बेच दिए। तो क्योंकि हमने इन दोनों को माना कि बेच दिया, तो इन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर ऐड करेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो माना जाएगा। तो बस आप ये नोट कर लो सॉल्यूशन कि भाई ये बात है, है ना। तो ये अजम्पशन है, ठीक है, तो ये अजम्पशन है CBSE की, तो ये लिख लेना, बाकी चीता बना कुछ नहीं। कुछ बच्चे कह रहे सर क्यों, क्योंकि CBSE कह रही है उल्टा लटको, ठीक है सर, तो हम उल्टा लटक जाएंगे, हमें क्या, प्रैक्टिकली चाहे कुछ भी होता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा अपने ज़मीन के कागजात ले आया एक बार एक बैच में, कह रहे सर ये देखो मैंने खरीदी तो थी 1 करोड़ की, अब आज वैल्यू कम रह गई, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि ज़मीन डेप्रिशिएट नहीं होगी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन बोलेगा तो अलग बात है, वो तो हम क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन मतलब ये इस पॉइंट का अर्थ है, ठीक है ऐसा भाई, समझ गए। चलो तो मतलब ये पूरी कहानी, किस्सा कहानी है हमारे कुल मिलाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का। तो अब इन बातों को हम अच्छे कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स में पिरोकर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक दो एग्जांपल मैं करवा दूंगा, एक दो आपसे हाथ साफ करवा लूंगा। चलो तो आप कॉन्सेप्ट में ही लिखना एग्जांपल 1, ठीक है ना। चलो तो इसमें लिखो जी, एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग में पहले कुछ आइटम्स लिख लेते हैं, प्लांट ओपनिंग में 2,00,000, क्लोजिंग में 3,00,000, माइनस PFD 10,000 और क्लोजिंग में 20,000।
तो ये आ गया जी 1,90,000, ये आ गया जी 2,80,000, और एक दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग में 2,00,000, क्लोजिंग में 1,80,000। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी टेबुलर फॉर्मेट। बाकी एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। नंबर वन, ए प्लांट कॉस्टिंग रुपी 80,000, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, ब्रैकेट क्लोज, वॉज सोल्ड फॉर, या वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। सेकेंड, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपी 40,000। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड पीएफडी अकाउंट। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड पीएफडी अकाउंट। एंड एक चीज़ और कर लेते हैं लगे हाथ, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, तो वो भी निकाल ही लेंगे साथ ही साथ। चलो जी, तो अब देखो एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से कुछ एक ढांचा होगा, मतलब बैलेंस शीट होगी, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट आपके सामने इस तरह से नज़र आ रहे होंगे आपको शायद, और कुछ ऐसी ही एडजस्टमेंट्स आपको नज़र आएंगी 1 और 2 करके या जो भी। तो अब आपको पहले ये पहचानना है कि ये केस 1 है या केस 2। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट है, कई बच्चा सोचे सर ये क्या टेबल बना रहे हो, मतलब ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है बेसिकली। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या नज़र आ रहा है हमको? पीएफडी। तो ये केस 1 है। ठीक है, चलो तो बनाते हैं अब सॉल्यूशन। तो एक बनाएंगे हम प्लांट अकाउंट, इससे कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे आपको अगर नहीं याद, और एक बना लेंगे पीएफडी अकाउंट। ठीक है, तो अब आप ये थोड़े गंदे गंदे भी बना सकते हो, ज़्यादा फोकस सुंदरता पे नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी फोकस तो सीखने पर है। तो अभी हम ज़्यादा सज्जो सजावट पर कम ध्यान लगाते हैं, पोस्टिंग पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, चलो तो अब कैसे करते हैं, देखो पोस्टिंग वो सीख लो। सबसे पहले आपको प्लांट की कॉस्ट क्या दे रखी है, देखो भाई क्या दे रखी है प्लांट की कॉस्ट, ओपनिंग कितनी दे रखी है और क्लोजिंग 3,00,000। ठीक है, तो इनको हम कहाँ लिखेंगे, देखिए जी ओपनिंग को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 2,00,000, और क्लोजिंग को कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी 3,00,000। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके नीचे दे रखा है पीएफडी, पीएफडी के क्या बैलेंस दे रखे हैं आपको, ओपनिंग क्या दे रखा है 10,000 और क्लोजिंग
20,000, तो उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? देखो हम पीएफडी के अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग 10,000 और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग 20,000। तो भाई किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं इसमें? सबको ये क्लियर हो गया? अब ठीक है, तो अब ये काम आगे आपको अपने आप करना है हर बार। अच्छा, अब नीचे पढ़ते हैं स्टोरी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में है, ए प्लांट कॉस्टिंग 80,000 रुपये। इसका मतलब होता है कि आपके प्लांट की कॉस्ट जो है वो 80,000 रुपये है, 80,000 है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। तो ये ध्यान से सुनना समझना, 11th की बातें हैं लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ बस, और एक ही बार बताऊँगा। कह रहा है कि हमारे पास एक प्लांट है जिसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है? कॉस्ट 80,000, और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। तो देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि इस प्लांट को आप अभी तक 30,000 रुपये तक इसको, मतलब इसकी वैल्यू गिरा चुके हैं, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बचेगी ये पता लगाना है आपको। बताओ, 50,000। तो भाई सबको क्लियर हो गया कि इसका मतलब इस प्लांट की बुक वैल्यू कितनी बचेगी? भाइयों बहनों, बुक वैल्यू बोलते हैं इसको, कितनी बचेगी? 50,000। तो बस इस छोटे से बादल का सब बच्चे हाँ कर देना कि भाई हाँ ओके, तो मैं आगे बढ़ूँ, और अगर ओके नहीं तो फिर मैं डांट लगाऊं कि आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी। तो बताओ भाइयों बहनों, इस छोटे से बादल का सबका ओके मान लें फिर? ओके, ठीक है, ओके। तो अब आगे की स्टोरी पढ़ना। तो हमारा जो प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू है 50,000, अब आगे लिखा है सोल्ड, हमने बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% के नुकसान पर बेच दिया। भाइयों बहनों, 10% के नुकसान पर बेच दिया। तो 50,000 का माल आपने 10% के नुकसान पर बेच दिया, तो बता सकते हो लॉस कितना हुआ? लॉस 5,000, वेरी गुड। और सेल इसका मतलब आपने कितने की करी? 45,000। तो इसका मतलब आपने जो सेल करी वो कितने की करी? 45,000। तो ये दूसरा बादल भी बता दो भाइयों बहनों कि दूसरा बादल सबको ओके है, बोलो ना हाँ या ना। भाई ओके है, ठीक है। अगर ओके नहीं होगा तो फिर आपकी बेइज्जती करी जाएगी कि आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी। तो क्लियर है जी? चलो, तो अब हमें इनकी पोस्टिंग्स करनी है, वो कहाँ कहाँ करनी है अब आप बताओ। चलो, सेल कहाँ लिखेंगे? सेल क्रेडिट साइड पर। तो प्लांट अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं सेल वैल्यू, या जो भी हमने मतलब प्लांट बेचा, 45,000 है ना, ये आपने खुद निकलवाया। लॉस कहाँ लिखेंगे? वो भी क्रेडिट साइड, बाय पीएनएल अकाउंट लॉस, वो भी आप लिख लो। कितने रुपए? 5,000। ठीक है, अब एक चीज लिखनी है हमें, क्या जो मैंने कहा था क्रॉस पोस्ट होती है, पीएफडी। हाँ, बाय पीएफडी अकाउंट। तो इसमें हम क्या लिखते हैं वो देख लो पहले, आप तुक्का मारो अपने, फिर मैं बता दूंगा। चलो, इसमें क्या लिखते हैं? जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, बेसिकली जो आप मशीन बेचते हैं उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो लिखते हैं। तो देखो, जो हमने मशीन बेची, ये प्लांट बेचा मतलब, तो उसका प्लांट का कितना दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 30,000 ना। तो ये फिगर लिखनी होती है।
तो ये बातें कक्षा 11वीं में हमें सिखाई गई हैं, मतलब मैंने तो सिखाई हैं, बाकी आपका पता नहीं, डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है, 30,000, और इसी 30,000 को नीचे क्या करना है आपको, क्रॉस पोस्ट करना है और इसको नाम दे देना है टू प्लांट अकाउंट। बस तो आपको ये खेल आना चाहिए, ये आपका मेन खेल है। बोलो जी, क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, तो अब उसने बोला सेकंड पॉइंट में, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 40,000। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ड्यूरिंग द ईयर, इसको कहाँ लिखेंगे हम, पीएफडी अकाउंट में। डेप्रिसिएशन को एसेट में नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, पीएफडी में। तो आप पीएफडी अकाउंट में लिख लो, बाय डेप्रिसिएशन 40,000। बस तो देख लो, सारी वैल्यूज क्लियर हो गई सबको, सबको पोस्टिंग समझ आ गई। चल अब हम प्लांट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो उससे हमें ये पता लग जाता है, एक बैलेंसिंग फिगर हमारा आंसर आ जाती है। तो आप प्लांट अकाउंट को क्लोज कर दो और मुझे भी बताओ क्या टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, 380। ओके, तो एक बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड पर यहाँ पर अब बचनी शुरू हो गई, कितने रुपए, 180। तो इसे क्या माना जाए बताइए, अब देखो कॉन्सेप्ट में पीछे चेक करो, डेबिट में अगर ये बच रहा है बैलेंस तो क्या बोलें इसको, ये क्या होगा, हाँ लॉस थोड़ी ना होगा है डेबिट में गुरुदेव, डेबिट में तो गेन आता है, लेकिन गेन तो हो नहीं सकता क्योंकि लॉस है। तो इसका मतलब ये पता है हमने क्या करा होगा, 1,80,000 का परचेज करा होगा प्लांट, हाँ एसेट परचेज करा, इससे आपको ये पता लग गया कि हमने एसेट परचेज कराए, क्योंकि डेबिट में और तो कुछ आता ही नहीं, एक ही तो बात आती है डेबिट में। तो क्लियर हो गया, तो इसीलिए अकाउंट बनाया जाता है ताकि आपको ये पता लगे कि भाई कुछ खरीदा है क्या हमने, तो हमको पता लग गया। ठीक है, ओके, चलो अब पीएफडी अकाउंट भी क्लोज कर दो। हालांकि पीएफडी में क्योंकि सब कुछ दे ही रखा है, चारों ही बातें दे रखी हैं और कुछ तो आता नहीं है, तो ये खाता आपका वैसे टैली कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कितना आ गया, 50। ठीक है, अब उसने एक छोटा सा काम और कहा था कर दो, तो वो भी कर लेते हैं। उसने कहा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो। चलो तो अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये देखते हैं कि कितना कैश फ्लो आया है। तो आपसे पूछ लेते हैं पहले, बताओ कोई इनफ्लो है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई इनफ्लो है क्या, बताओ क्या होता है इनफ्लो, सेल ऑफ एसेट। ठीक है ना, तो जब हम एसेट बेचते हैं तो आपको मार्क करवाया था ना कि एसेट बेचना क्या होता है, एक इनफ्लो। ओके ठीक है, तो लिखो पहले इसको, तो लिखो जी सेल ऑफ प्लांट 45,000, तो ये इनफ्लो हो गया। और ढूंढो, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है क्या आइटम इसमें, लॉस कहाँ जाता है, चलो ऐसे ही बताओ, ऑपरेटिंग में प्लस, और डेप्रिसिएशन नीचे ये कहाँ जाता है, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस। तो और बताओ भाइयों बहनों, परचेज ऑफ प्लांट ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। ओके तो क्लियर है सबको, तो लिखो जी
परचेज ऑफ प्लांट, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया, तो आप ब्रैकेट में माइनस करके दिखा देना 1,80,000। अभी मैंने आंसर क्लोज करके बढ़ गया आगे। तो एक मित्र कह रहे हैं सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल हुई है, तो ये आपको कैसे पता? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या हुई है, कितने रुपए की? 20,000। तो हम इस गिरावट को डेप्रिसिएशन माने या सेल माने? और ये बात आपको कैसे पता? मतलब मैंने नहीं सीखा, तो CBSE ने अजम्पशन दे रखी है। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? सेल। चलो तो ये भी लिख लेते हैं जी, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये इनफ्लो हो गया 20,000 का, बस और कुछ नहीं है। तो अब आप अपना आंसर निकालो, क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा वैसे तो, 1,15,000। तो अंग्रेजी बन गई कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यही आ रहा है ऑनलाइन के चीतों का भी। तो भाई क्लियर हो गया सबको, समझ आया ये वाला खेल? चलो एक और करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल टू। तो एग्जाम्पल टू में लिखते हैं, पहले एक टैबुलर फॉर्मेट बनाते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग। पहला आइटम है जी 10% इन्वेस्टमेंट्स, 5,00,000 और 2,50,000। दूसरा मशीन 11,90,000 और 875,000। और तीसरा लैंड 8,00,000 और 6,00,000। ठीक है, तो तीन बातें तो बैलेंस शीट में दे रखी हैं, बाकी एडजस्टमेंट में लिख लो। नंबर वन, हाफ इन्वेस्टमेंट्स इन बिगनिंग इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन, बस ऑन छोड़ो, चलो ऑन एट 10% प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज रुपी 1,00,000। और थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रुपी 60,000, या 60 मत लिखो, सॉरी 50 कर लो, 50,000। फाइंड CFIA मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइंड CFIA। चलो तो इस बार हमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, मशीन दे रखी है, लैंड दे रखी है, तो बताओ कौन सा केस है? पहले तो ये बताओ केस टू, तो ये कैसे पहचाना आपने? हाँ बिल्कुल सही,
हाँ ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये नॉन करंट है। हाँ कुछ नहीं दिया होता तो नॉन करंट ही मानते हैं। तो अब हमें इसमें कौन कौन से खाते बनाने पड़ेंगे बताओ। एक तो उसने लिखा कि हमने इन्वेस्टमेंट्स को बिगनिंग में बेच दिया, तो एक तो हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे, है ना, वो भी एक एसेट अकाउंट है। और दूसरा कह रहा है कि हमने मशीन को डेप्रिशिएट कर दिया 1 लाख, तो हम दूसरा मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें हमको दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। चलो तो हम दो अकाउंट बनाते हैं पहले। तो पहले हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एक बना लेते हैं मशीन अकाउंट, है ना, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं। इस बार पीएफडी नहीं है तो हमारे मज़े आ गए। इस बार हमें पीएफडी नहीं बनाना क्योंकि पीएफडी नहीं है। चलो तो बनाते हैं, अब देखते हैं क्या है कहानी। तो पहले इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बताओ कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का? 2,50,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, ठीक है। तो एसेट का अब आपको ये तो पता ही चल गया, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट में 2,50,000। और बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में दी है ना, तभी तो अकाउंट बनाने का पर्पस सॉल्व होगा ना कि भाई। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, कह रहा है आधी, हाफ इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगनिंग, यानी कि हमारी ओपनिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी हमने उसकी आधी बेच दी। तो एक बार बताओ ओपनिंग में कितनी थी हमारी इन्वेस्टमेंट्स? 2,50,000, है ना। तो हम सारी नहीं बेच रहे, हम ओपनिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनका सिर्फ आधा बेच रहे हैं। तो आधा कितना हो गया? 1,25,000। तो भाई पहले यहाँ तक सब बच्चे ओके हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने जो आधी इन्वेस्टमेंट बेची, सोल्ड, वो बेची है एट 10% प्रॉफिट, 10% के मुनाफे पर बेची है। तो अब मुनाफा बताओ कितना आएगा 10% के हिसाब से? 12,500। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने कितने की बेची? 137,500। तो भाई देख लो ये वर्किंग से सब बच्चे सहमत हैं, तो क्लियर है। चलो तो अब आपसे पोस्टिंग पूछी जाएगी क्योंकि आप तो होशियार हुई। तो सेल कहाँ लिखेंगे? सेल किस साइड लिखनी है? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो लिख लो बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू आ गई 137,500। और जो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड 12,500। तो ठीक है भाइयों बहनों, सबको क्लियर हो गया? पोस्टिंग ओके। चलो तो बस, तो इस खाते से अब आपको टोटल करके, क्लोज करके एक बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगी और आपको आंसर मतलब एक मिल जाएगा कि भाई क्या हुआ। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 637,500। तो 637,500 में से 267,500 माइनस कर दो, क्या बचा? 1,00,000 भी लिख सकते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर PNL लिख दें गेन की जगह। हाँ PNL भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, है ना। तो कितना बच रहा है? 3.5 लाख कह रहे हैं ऑनलाइन के चीते, तो यही बच रहा है 3.5 लाख। ठीक है तो बताओ ये क्या हुआ होगा? डेब
हाँ, तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब ये हमने परचेज करा होगा इन्वेस्टमेंट को, तो ये हमारे को परचेज पता चल गई। तो क्लियर हो गया एसेट अकाउंट। ओके चलो, अब दूसरा खाता बनाते हैं, मशीन अकाउंट। तो मशीन का बताओ कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 875 और क्लोजिंग बैलेंस 1190। तो ये लिखते हैं, आइए जी। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस 875 और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 1190। अब पढ़ो मशीन के बारे में क्या बोला है। लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज 1 लाख। मशीन को कह रहा है हमने 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर लिया। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर ये 3.5 लाख नहीं आ रहा, 375 आ रहा है। ओके, तो ये 375 आ रहा है भाई, तो अच्छा हुआ आपकी कटिंग हुई, मज़ा आया। तो भाई ये 375 आ रहा है, तो ठीक है, तो ढंग से निकाला करो, मेरे मेरे भरोसे पे नहीं। चलो, तो खैर, तो मशीन का डेप्रिसिएशन है जी 1 लाख, तो कहाँ लिखे हैं इसको बताओ, क्रेडिट साइड, बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, बस। और कुछ दे नहीं रखा उसने, तो बस अब आप टोटल कर दो मशीन अकाउंट का भी, और टोटल करके आपको फिर से एक बैलेंसिंग फिगर पता लग जाएगी डेबिट साइड पर। टोटल आ रहा है 12 लाख 90, तो 12 लाख 90 में से 875 माइनस करो, क्या बचा? सर आप बताओ इस बार, 4 लाख 15। तो बताओ ये क्या होगा, है ना? तो इसका मतलब डेबिट में बच रहा है, तो हमने परचेज करी होगी मशीन को, परचेज आ गया मशीन का। तो क्लियर हो गया एसेट अकाउंट बनाने का क्या पर्पज है और कैसे बनाना है। चलो, अब उसने कहा कि मुझे CFIA निकाल दो, तो हम CFIA निकालते हैं। आ जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या बातें करनी है। ठीक है सर, तो पूछ लो हमसे, हम आपको बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या है? ठीक है, तो लिख लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा इनफ्लो 137,500। और बताओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और क्या है? परचेज आउटफ्लो, तो वो भी लिख लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 375, ये हो गया जी आउटफ्लो। अब मशीन अकाउंट को झांको, मशीन अकाउंट में क्या है? इसमें भी परचेज है, तो मशीन अकाउंट में भी परचेज है, तो ये भी क्या हो गया? आउटफ्लो। परचेज ऑफ मशीन 415, और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो। सेल ऑफ लैंड कह रहा है एक बच्चा नशे की अवस्था में। लैंड ओपनिंग में कितनी है और क्लोजिंग में कितनी हो गई? बढ़ गई ना ये, तो लैंड की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि क्या हुआ लैंड में? परचेज। हाँ ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने ज़मीन खरीदी है 2 लाख की, तो ये भी हो गया जी आउटफ्लो। और ढूंढो, और कुछ है या बस ख़त्म? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है?
मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो तो है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो है ना, तो ये भी लिखना है। और अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते ना, तो इसको फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस भी कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है हमारा, इनफ्लो, तो यहाँ पर तो प्लस कर दो। चलो तो बस यही है, अब आप निकालो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ही आएगा वैसे तो, बताओ कितना आ रहा है। तब तक अंग्रेजी लिखें, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है, माइनस इंटरेस्ट 50,000, 50। तो कितना आ रहा है जी, तो 4 15 और 2 6 15, 6 15 और 3 75, 6 90, 9 90, 9 90 में से 50 गया, 9 40, 8 40, 8,02,500 नेगेटिव। ठीक है, तो 8,02,500 तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो समझ आ गया खेल, थोड़ा थोड़ा क्लियर है कहानी एग्जांपल्स की। चलो तो ये नोट कर लो बस, बाकी एक दो सवाल किताब के भी करके देख लेते हैं, तो उसमें भी आपको यही सब ड्रामा देखने को मिलेगा, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो तो एक बार बड़े ध्यान से देखना इनके ढांचों ढूंचों को, क्या क्या दे रखा है। मशीन कॉस्ट, उसी के नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा नाम बदल के दे रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, PFD। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया जी, वन। बाकी पेटेंट्स भी हैं, ठीक है। अब नीचे देखो, इन्फो पढ़ो, इन्फो में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000। तो जल्दी से इसकी बुक वैल्यू बताना मशीन की, वेरी गुड। तो इतनी जल्दी बतानी है भाई सबको, तो इसका मतलब मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 30,000, वेरी गुड। और फिर वो कह रहा है आगे कि हमने इसको 30,000 वाली मशीन को बेच दिया, सोल्ड फॉर 50,000, तो जल्दी से गेन बताओ, 20,000, वेरी गुड। तो ये तरीका है, ठीक है। सेकंड में क्या, तो हमें इसमें कितने, एक अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा, देखो मशीन अकाउंट और PFD अकाउंट। और सेकंड एडजस्टमेंट पेटेंट्स की भी है, कह रहा है पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 50,000 रुपये। रिटर्न ऑफ का मतलब वही होता है अमोर्टाइज। वाइल ए पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, कह रहा है पेटेंट हमने कुछ बेच भी दिए 40,000 के मुनाफे पर, तो हमें कौन सा खाता भी बनाना पड़ेगा, एक पेटेंट। तो जिस भी आइटम की, जिस भी एसेट की एडजस्टमेंट दे रखी होगी आपको उसका अकाउंट बनाना है, ये ध्यान रखना। तो हमें अब मशीन भी बनाना है अकाउंट, PFD भी बनाना है और पेटेंट भी बनाना है। बाकी क्वेश्चन तो कह रहा है CFIA निकालो, ठीक है, तो CFIA तो अभी निकालते हैं। तो पहले खाते बनाते हैं, आ जाओ। चलो तो सर खाते आप बनाओगे या हम बनाएं? तो मैं बना देता हूँ। तो मशीन अकाउंट, तो गंदे गंदे ढांचे बना लो बस, सुंदर नहीं होने चाहिए। एक बना लो PFD अकाउंट, क्योंकि ये वर्किंग नोट होता है वैसे एग्ज़ाम में। और एक बना लो पेटेंट अकाउंट, चलो तो पोस्टिंग शुरू करते हैं मशीन से। मशीन का ओपनिंग कितना दे रखा है,
950 और क्लोजिंग 10 लाख। ठीक है, तो लिख लो मशीन का ओपनिंग 950 और क्लोजिंग 10 लाख। फिर पीएफडी का बैलेंस देखो, पीएफडी का ओपनिंग कितना दे रखा है, 1,10, और क्लोजिंग 150। तो बताओ रोहित, इसको कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग को किस साइड लिखना है? इतनी देर में 10 बार मुंह से निकलना चाहिए। तो 1,10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है जी? 1,50,000, टू बैलेंस सीडी। चलो, तो पहले ये दोनों ही बनाते हैं, या पेटेंट का भी पोस्ट कर दें? कर दो सर, उसमें क्या है। चलो पेटेंट का भी कर लेते हैं। तो पेटेंट का ओपनिंग कितना दे रखा है? 3 लाख, और क्लोजिंग 2 लाख। तो पेटेंट का भी कर लो। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग 3 लाख। अच्छा, ओपनिंग 3 लाख था, सॉरी, और क्लोजिंग 2 लाख। ओके, तो क्लियर है सबको? क्लोजिंग ओपनिंग पोस्ट करने में तो कोई आफत नहीं है। चलो, अब आपसे पूछ लूँगा, फिर आप बताना। पहले फर्स्ट पॉइंट बताना, मशीन बेची 50,000 की, गेन हुआ 20,000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप है 60। तीन बातें, तीन उंगली बना ली। सेल करी 50 की, गेन हुआ 20 का, एक्यूमुलेटेड डेप है 60। तो बताओ तीन बातें कहाँ लिखनी है, किस साइड? क्रेडिट साइड। मतलब क्या क्या लिखना है? एक तो बैंक जो सेल हुई, तो लिख लो 50,000। फिर गेन कहाँ लिखना है? डेबिट साइड, 20,000। और एक्यूमुलेटेड डेप कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड, 60,000, जो क्रॉस पोस्ट होके नीचे फिसल के यहाँ आ जाएगा। तो बस यही तो नाटक सीखा था आपने। तो देख लो भाइयों बहनों, सबको क्लियर है? कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें? बस, तो हो गया आपका पोस्टिंग, तो मशीन का ड्रामा ख़त्म। अब आप क्लोज कर लो, आंसर निकल जाएगा मशीन में क्या आ रहा है। तो क्रेडिट का टोटल करो 11,10,000। तो 11,10,000 में से 970 माइनस करो, क्या बचा? 1,40,000। तो ये क्या होगा? परचेज। इसका मतलब हमने मशीन परचेज करी है, ये पता चल गया, टू बैंक अकाउंट। तो क्लियर है सब बच्चों को? बिल्कुल। इसी तरह पीएफडी भी क्लोज कर दो। पीएफडी क्लोज करके भी आपको एक बैलेंस पता लग जाएगा। डेबिट का टोटल है 2,10,000। 2,10,000 में से 1,10,000 गया, तो कितना बचा बैलेंस? 1 लाख। तो बताओ ये क्या होगा? बाय डेप्रीसिएशन, है ना, फॉर द ईयर। क्योंकि इस खाते में तो चार ही बातें लिखवाई दी आती हैं, तो बस जो वो बच रही है वो, उसका मतलब क्या होगी? डेप्रीसिएशन। चलो, तो अब बताओ भाई, क्लियर है? पहले खाते गिरी सब बच्चों को। चलो, अब तीसरा खाता बनाते हैं, पेटेंट्स का। तो पेटेंट्स की स्टोरी पढ़ते हैं। पेटेंट्स वर अमोर्टाइज्ड 50,000 रुपये। तो अपने आप तुक्का लगाओ, तुक्का तो खैर क्या, बुद्धि ही लगाओ कि खाते में किस साइड लिखोगे आप भाई। इतनी बुद्धि सब लगा सकते हैं? एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। तो बस लिख लो अमोर्टाइजेशन बाय अमोर्टाइजेशन 50,000, है ना। तो बस, अब ये कोई सिखाने वाली बातें थोड़ी ना।
उसके बाद जी फिर दिया था आगे, कह रहे कुछ हिस्सा पेटेंट्स का हमने बेच दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो हमें प्रॉफिट दिया है 40,000 का कि हमने बेच दिया पेटेंट को और 40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ लिखोगे प्रॉफिट 40,000 का? डेबिट साइड तो लिख लो प्रॉफिट ऑन सेल 40,000। बाकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। तो हालांकि इसलिए इस में हमारा कोई यूज़ नहीं है इसका। तो भाई ओके हो गया, खाता क्लोज कर दें, और तो कुछ नहीं दे रखा बस, तो बंद कर दो। तो अब आप जब क्लोज करोगे तो आपको एक बैलेंसिंग फिगर इधर पता लग जाएगी, कितना आ रहा है 340। 340 में से 250 गया, 90,000। तो इसका मतलब ये क्या हुई होगी? सेल है ना, क्योंकि उसने सेल नहीं बताई थी ना, वैसे भी मिसिंग थी। तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर सेल आ गई, तो 90,000 का इसका मतलब हमने पेटेंट बेच दिया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो अब हम बना लेते हैं अपना मेन सॉल्यूशन। तो अभी तक हमारे एग्ज़ाम में 0 नंबर हैं, ये ध्यान रखना। इनका वर्किंग होगा कोई नंबर शंबर नहीं है सच खास। तो मेन सॉल्यूशन तो ये है, ऊपर की बातें तो सब वर्किंग नोट हैं। चलो तो अब जो आप कहोगे वो लिखेंगे। बताओ भाइयों बहनों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, कुछ है बातें? एक तो सेल है, सेल ऑफ मशीन, ठीक है, कितने रुपए की? 50। और परचेज ऑफ मशीन है, ये आउटफ्लो हो गया कितने रुपए का? 1,40,000। ठीक है, और कुछ पेटेंट में कुछ है? सेल ऑफ पेटेंट, हाँ, वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है ईशान भाई, बिना उसके फिर मेन आंसर के भी नंबर नहीं। भाई बच्चा कह रहा है सर वर्किंग नोट ना बनाए, खाली एग्ज़ाम में ये चिपका दें, तो टीचर के ही आगे वाले से चेप लिया। तो वर्किंग नोट बनाने, नहीं तो फिर मेहनत इतनी क्यों कर रहे हैं। चलो तो क्लियर हो गया जी, तो अब निकाल लो क्या आंसर आ रहा है। 0। तो मतलब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ना ही कोई इनफ्लो हुआ और ना ही कोई आउटफ्लो हुआ, है ना? तो ये है मतलब पॉइंट, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम में आपको सॉल्यूशन भी करना है, वर्किंग नोट भी बनाने हैं। खाली वर्किंग नोट बना दिए तो भी आधे नंबर मिलेंगे, खाली सॉल्यूशन बना दिया तो भी शायद हो सकता है आधे नंबर मिलेंगे। तो पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब सॉल्यूशन भी है और वर्किंग नोट भी है, ठीक है ना? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नो फ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ नहीं हुआ। चलो तो क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। तो बस यही करना था मेन तो हमको। तो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, वो आप होमवर्क में करना। 24 मैंने करवा दिया तो वो मत करना 24, बाकी 21 to 30 ये आप होमवर्क में करना। तो इसमें 24 हमने कर लिया वो मत करना, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप होमवर्क में करना, वो सब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ही मिल जाएंगे।